नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सिर्फ मैं प्रोरेटा बनाऊंगा पर आपको सिर्फ अलॉटमेंट की, यार ये करना ही पड़ेगा है ना, चलो कोई बात नहीं करते हैं। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स। अब सुगंध लिमिटेड ने 60,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। अब 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है, मतलब 12 रुपये का शेयर है, 3 एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 5 अलॉटमेंट पे। अब इसमें प्रीमियम जो है इंक्लूड है, मतलब फेस वैल्यू जो है अलॉटमेंट पे कितनी है, 3, और 2 रुपये क्या है प्रीमियम, ठीक है। सो नेक्स्ट है द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना हो गया 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो मतलब फाइनल कॉल पे कितनी अमाउंट रिसीव करनी है हमने, 4। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स, हमने 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की हैं। डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स 30,000 शेयर, मतलब जिन्होंने 40 अप्लाई किया उनको 30 मिले, जिन्होंने 50 अप्लाई किया उनको 30 मिले, और बाकी जिन्होंने 2,000 अप्लाई किया उनको कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब यहाँ पे 30 प्लस 30 60 हो गया, और 40 प्लस 50 90, और 90 प्लस 2 कितना हो गया 92,000। तो यहाँ पे भी कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1 एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, वो क्या कि मोहन जिसने 800 शेयर अप्लाई किए हैं, तो इसने अगर 800 अप्लाई किए ना तो उसको मिले कम होंगे, क्योंकि यहाँ से देख लो आप, जिन्होंने 40 अप्लाई किए उनको 30 मिले, जिन्होंने 50 अप्लाई किए उनको 30 मिले। तो ये मोहन जो है वो पहली कैटेगरी में है और जो सोहन है वो दूसरी कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसने अलॉट, इसको शेयर जो है वो अलॉटेड है, मतलब इसके अप्लाइड हैं, इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, इसके अलॉटेड है इसके हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिए, ठीक है, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट की अमाउंट ही निकालेंगे, सारी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर है 20th क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हैं बैंक की एंट्री, सॉरी एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टेबल बनाते हैं, सॉरी प्रो रेटा टेबल। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, ये थर्ड, ए बी सी एंड टोटल, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे फर्स्ट, पहले मैं ये लिख देता हूँ फटाफट से, क्या है शेयर्स अप्लाइड। पहली कैटेगरी ने 40 अप्लाई किए हैं, मिले 30, सॉरी दूसरी कैटेगरी ने अप्लाई किए 50, तीसरी ने किए 2000, ये होगा टोटल 92,000। सेकंड नंबर पे आएगा शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, इसको भी 30 मिले, इसको भी 30 मिले, और इसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव की, ठीक है, कितना रिसीव किया, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 1,20,000 हो गया ये, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 1,50,000 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ ये हो गया 6, तो टोटल कितना हो गया 276,000, 276 होता ना, हाँ जी 276,000। फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, अब असल में कितना रिसीव करना था वो भी निकाल लेते हैं, मनी टू बी रिसीव्ड। तो ये हो गया 40 को 3 से मल्टीप्लाई, अब 30 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 90,000, इससे 90 लेना था, इससे भी 90 लेना था, इससे कुछ भी नहीं लेना था, तो ये आ गया टोटल 1,80,000। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, सरप्लस निकालेंगे पॉइंट नंबर 5, तो वो सरप्लस आएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट में। तो सरप्लस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ठीक। सो करते हैं इसको एडजस्ट, कैसे करना है आगे, अलॉटमेंट मनी निकाल लो कितनी है, हाँ जी, तो अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से निकलेगा, 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना हो जाएगा 1,50,000। अच्छा पहले सरप्लस निकालो, सॉरी 30,000 आ गया ये, 60,000 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नील, टोटल सरप्लस कितना हो गया 90। अब यहाँ पे 6th पॉइंट पे आएगा हमारा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी, ठीक। तो अलॉटमेंट जो है 30,000 है, 5 रुपये की अलॉटमेंट मनी है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000,
30 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख, तो यहाँ पे खाली खत्म, क्योंकि सरप्लस कम पड़ गया और अलॉटमेंट ज़्यादा, तो ये 30,000 इसमें इसमें एडजस्ट हो जाएगा और 60 इसमें, तो मतलब अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा टोटल 90, ठीक है। तो 90 तो हमारा एडवांस आ गया। अब हम निकालेंगे, पहले तो दो बंदे देखो कौन कौन से, मोहन और दूसरा है सोहन, ठीक है। तो पहले तो हम इनके शेयर्स निकालेंगे और इनकी सरप्लस अमाउंट निकालेंगे कितनी। नंबर वन शेयर्स अप्लाई, इसने तो शेयर अप्लाई किए हैं, तो जब अप्लाई करते हैं ना कोई पर्सन आपको अलॉटेड निकालने हैं, तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अप्लाइड जो होते हैं वो हमेशा अलॉटेड से ज़्यादा होते हैं, मतलब जो शेयर इसको अलॉट होंगे जो हम निकालेंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, कम आएंगे। अब चेक करना भी शेयर्स अप्लाइड 800, अब कंपनी जो है कितने शेयर, ये कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट में, तो 40,000 अगर शेयर अप्लाई किए हैं तो अलॉट कितने हो रहे हैं, 30,000, एक है तो 30/40, और अगर 800 हैं तो कितने शेयर इसको अलॉट होंगे, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 8 × 1 = 50, 10 कैंसिल होगी, ये आ गया 600। तो टोटल जो इसको शेयर्स अलॉट हुए वो कितने हुए हैं, 600 शेयर्स अलॉटेड, मतलब इसके 200 शेयर्स पे हमारे पास सरप्लस हैं। इधर आ जाएं, शेयर्स इसने अलॉट, इसको अलॉट हुए हैं ना, ये होल्ड कर रहे हैं शेयर कितने, 600 अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड कितने 600 शेयर्स अप्लाइड। अब शेयर्स अप्लाइड निकालेंगे इसके कितने हैं, शेयर्स अप्लाइड तो कैसे निकालेंगे, अगर 30,000 अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने किए थे, 50, एक है तो 50/30, तो अगर 600 हैं तो कितने होंगे, तो सारी जीरोस कैंसिल कर दो, 1, 2 तो ये आ जाएगा 1000 शेयर्स जो है इसने अप्लाई किया, 1000 शेयर्स अप्लाइड, ठीक। तो आगे क्या करना है, अब चेक करना ध्यान से, मैं इनका सरप्लस निकालूंगा दोनों का, इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पहला बंदा था हमारे पास मोहन और दूसरा था सोहन, राइट। तो शेयर्स अप्लाइड, इसने कितने शेयर अप्लाई किए थे मोहन ने, हमने अभी निकाले हैं, सॉरी इसके गिवन थे 800, इसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, 1000, तो इसको अलॉट कितने हुए शेयर्स, इसको शेयर्स अलॉट हुए हैं 600 और इसको अलॉट हुए थे 600। तीसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की है, ठीक है, कितनी रिसीव की है, 800 का मल्टीप्लाई करो 3 से 2400 आएगा, और 1000 का मल्टीप्लाई करो 3 से आ जाएगा 3000। असल में कितनी करनी थी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड, ठीक है, एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस में आप एक्सपर्ट हो जाते हो प्रैक्टिस करके, तो देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर फॉर टेबल, ठीक है। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1800, अब आएगा सरप्लस, फिफ्थ पॉइंट सरप्लस, तो सरप्लस जाएगा कहाँ पे, टू बी एडजस्टेड इन अलॉट, ठीक है जी, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा कितना इसका 600 और इसका कितना 1200, राइट। तो अब हम निकालेंगे अलॉटमेंट मनी, ये पूरा टेबल ही बनता है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है, ये जब अलॉटमेंट में डिफॉल्ट होता है ना, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अलॉटमेंट मनी, अब अलॉट कितने में शेयर इसको 600, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3000, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, अब इनके हमारे पास सरप्लस कितने हैं 600, लेना कितना इनसे 3000, तो 2400 इन्होंने नहीं पे किया मोहन ने, और इसने कितना नहीं पे किया 1800, तो ये क्या आ जाएगी इनकी डेफिशिएंसी, या इसको शॉर्टेज कह देते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या होना मैं अभी बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं स्टार्ट करने लगा। तो अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव कितनी करनी है, अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड, ठीक है जी, अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव करनी है, टोटल कितने शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60,000, तो 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 लाख,
बिल्कुल सर, 3 लाख आ जाएगा। माइनस कर दो इसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड, जो हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया ऊपर एडवांस में, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो चेक करते हैं कितना रिसीव किया था कॉल्स इन एडवांस, ये रहा। तो मैंने आपको बोला था 30,000 ये और 60,000 ये, 90,000 जो है वो एडजस्ट होगा कहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस। तो 90,000 ब्रैकेट में रखो क्योंकि माइनस को सिग्निफाई करता है। देन माइनस माइनस में आएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी, दोनों की लिखेंगे, मोहन की अलग और सोहन की अलग। मोहन की है 2400 क्योंकि नेगेटिव में आया, इसको ब्रैकेट में रखो, ये भी नेगेटिव है, इसको ब्रैकेट में रखो। और सोहन की है 1800। तो दोनों का टोटल कितना होता है हमारा 4200, ये भी माइनस है। अब 3 लाख में से 90,000 और 4200 माइनस करनी है, तो ये आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हमने अलॉटमेंट मनी जो है वो क्या करी है, रिसीव करी, ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। तो 3 लाख में से 90 माइनस किया कितना आ गया, 2,10 में से 4200 माइनस करो तो आता है हमारा 2,05,800। तो ये आप आंसर चेक करें यहाँ पे, ये कितना आ रहा है 2,05,800। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जब आप क्वेश्चन को करोगे कंप्लीट इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्ट